पंचायती राज संस्थानों में छठे आम चुनाव के अंतर्गत रोहतक में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए मतदान किया गया। जिला रोहतक में 5 ब्लॉक में 529 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें लगभग 2500 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया। लेकिन जिला निर्वाचन विभाग को उस समय भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जब पूरे जिले में लगभग 300 कर्मचारी अनुपस्थित रहे। रोहतक में 90 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी देने नहीं पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त यशपाल यादव के आदेश के अनुसार चुनाव में अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचायत चुनाव 2022 रोहतक जिला में 9 तारीख को जिला परिषद और जिला समिति के रखे हुए थे, तो इस संबंध में उपायुक्त महोदय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सभी ब्लॉक से, रोहतक में 5 ब्लॉक्स हैं, सभी ब्लॉक्स को मैन पावर प्रोवाइड की गई थी। एक लिस्ट थी कौन सी पोलिंग पार्टी, रैंडमाइजेशन के बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन सी पोलिंग पार्टी किस बूथ पर जाएगी, तो वो सभी लिस्ट जो जितना मैन पावर चाहिए थी प्लस कुछ एडिशनल स्टाफ सभी ब्लॉक अधिकारियों यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को दे दिया गया था। गुरुग्राम पर्यावरण के प्रति जमीन से जुड़कर काम करने वाले पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने पिछले साल की तरह इस बार भी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शहर की सड़कों पेड़ों पर छिड़काव कार्य शुरू किया, जहां कंपनी बाग से उन्हें टैंकर्स को छिड़काव के लिए झंडी देकर रवाना किया। पत्रवार्ता में नवीन गोयल ने कहा कि पर्यावरण में प्रदूषण किस तरह से छाया है, यह हम सब देख रहे हैं। यह प्रदूषण हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुरुग्राम का जो आब हवा है बहुत सारा प्रदूषित हो गई है। ये अक्सर ऐसा होता है कि हर साल इस समय पे इस तरह से प्रदूषण की जो मात्रा है बढ़ जाती है, तो इसमें पर्यावरण संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी होने के नाते और एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी होने के नाते हमने एक शुरुआत की है कि जिसमें आसपास के जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं उन पे हम ये पानी का छिड़काव करके, जल का छिड़काव करके, उससे हम उसको पर्यावरण को संरक्षित करने का, संवर्धन करने का इस पर हम कार्य कर रहे हैं। इस पर समाज के जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सबका हमारे को भरपूर सहयोग है। मुख्य तौर पर जितने भी हमारे मुख्य रोड है इनके दोनों तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं उन पे हमारे को जल छिड़काव का हम कार्य कर रहे हैं, और इसमें अब की बार हमने एक नई शुरुआत की है। हमारे लोगों से विचार लेके नए आइडिया से कम से कम जल लगे और ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक हम इसको पानी को छिड़काव कर सके, स्पार्कल लगा के इसमें हम दूर तक इसको छिड़काव करने का कार्य कर रहे हैं। जिन विकास संगठन ने रोहतक रोड पर नई अनाज मंडी के सामने किशनपुरा गांव को जाने वाली रोड को नए सिरे से बनवाने की मांग की है, संगठन का कहना है कि ये सड़क अब पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क में 150 से भी ज्यादा खड्डे हैं, जिसके चलते वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। इस सड़क को बनवाने को लेकर ग्रामीण लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने इस सड़क को बनवाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को ट्वीट भी किया है। रोड से और गांव किशनपुरा को क्रॉस करते हुए मेन हाईवे की तरफ जाता है, ये कई गांव इससे लिंक है, जैसे अशरफगढ़, दूड़ी, पिंडारा, रदाणा, बिरोड़ी, ये सारे गांव के जितने भी जमींदार हैं इसी रोड से गुजरते हुए नई अनाज मंडी अपनी फसल लेके आते हैं, लेकिन आने जाने के लिए बिल्कुल भी रोड ठीक नहीं है। यहाँ तकरीबन 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे, अभी बारिश में इतना बुरा हाल था जैसे गड्ढों में पानी भर गया, पता ही नहीं लगता था हमें गड्ढों में किसमें पानी है, व्हीकल जाता उसे भी फंस जाता, मतलब बहुत बुरी हालत हुई है जमींदारों की इसमें। तो कब से है ये समस्या? कम से कम 2 साल से है, 2 साल के अंदर इसमें सिर्फ 100-200 मीटर में इसमें थोड़ी सी रिपेयरिंग हुई, टाकी लगी थी सिर्फ, लेकिन इसके बाद भी गांव के लोग कई बार जा चुके हैं, पंचायत भी जा चुकी है, इसकी एप्लीकेशन 2-3 बार दे चुके हैं। बॉन्ड पॉलिसी में सरकार के संशोधन के बावजूद भी पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में MBBS के छात्रों का विरोध शांत नहीं हो रहा। 10वें दिन भी ये MBBS छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए और जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर बॉन्ड पॉलिसी को तुरंत वापस लेने की मांग के चलते ज्ञापन सौंपा। सरकार ने अमेंडमेंट्स जो की है उसके अंदर एक चीज बस उन्होंने यही बदलाव किया है कि 2022 वाले बच्चों से तो कैश के तौर पर 10 लाख रुपए लिए जा रहे थे, अब वो ये चीज नहीं लेंगे, जो छात्र जाए केवल केवल वही चीज की है, लेकिन बाकी के जो अमेंडमेंट्स है वो बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं है। उल्टा उन्होंने MMC अग्रवाल के ऊपर भी 32-36 लाख रुपए का बॉन्ड लगा दिया। पीजी के अंदर भी इसी तरह की बॉन्ड पॉलिसी लाने की बात की जा रही है, वो उन्होंने इस अमेंडमेंट पे कर दिया है। और साथ में हमारी सरकार से जो 3 बड़ी मांगे वो यही है कि जो बैंक नाम की थर्ड पार्टी उन्होंने इन्वॉल्व कर रखी है, बाकी किसी भी स्टेट के सर्विस बॉन्ड के अंदर बैंक इन्वॉल्व नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर भी ना और बदतर स्थिति को सुधारे, तो बैंक इन्वॉल्व ना हो। दूसरा, जो टेन्योर इतना लंबा है 7 साल का, कोई भी डॉक्टर एक आम जिंदगी जीने की सोच भी नहीं सकता। गुरुग्राम में एक बार फिर गौ तस्करों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई है। गौ तस्करों ने गोरक्षकों को रोकने के लिए चलती पिकअप गाड़ी से गोवंश नीचे फेंक दिया।
इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के सेक्टर 57 से तिगरा गांव में गोवंश को भरकर मेवात की तरफ ले जाया जा रहा था। इस सूचना के बाद गौ रक्षकों की टीम मौके पर पहुंची और पिकअप गाड़ी का पीछा किया। हमें तिगरा गांव से हमारी टीम के एक लड़के का फोन आया था, अब भाई यहाँ से ऐसे ऐसे गाड़ी भरी जा रही है, गायों को डाल रहे हैं गाड़ी के अंदर। हम वहाँ से अपने घर से गाड़ी को लेकर चल दिए और हम जब रास्ते में आ रहे थे हमें गाड़ी बादशाहपुर मिली है, हम इसके पीछे लग गए। इसमें गाड़ी में 4 गाय थी और वो एक एक करके हमारी गाड़ी के आगे गाय को फेंकने लगे। अच्छा। आगे आए कर उनकी गाड़ी का अनबैलेंस हो गई और गाड़ी पलट गई उनकी। अच्छा, ये जो है किस टाइम की बात है, रात की? और ये है 2 बजे की बात है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।